यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ हमें संख्याएं मिली हैं 306 और 657, तो हमने संख्याओं का गुणनफल लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया 306 गुणा 657। HCF हमें दिया है 9 इंटू LCM, LCM हमें ज्ञात करना है, तो वज्र गुणा करते हैं, 9 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हर बन जाएगा। LCM का मान हो गया LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। 9 का हमने भाग लगा दिया 306 में, 34 बार भाग जाएगा, तो मान कितना हो गया 34 गुणा 657, अर्थात मान हो गया 22,338। तो LCM हो गया 22,338। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी हैं। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बरामदे की विमाएं मिली हैं, लंबाई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए लंबाई हो गई 1872 सेंटीमीटर। हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, लंबाई हो गई 1872 सेंटीमीटर। और चौड़ाई प्रश्नानुसार हमें मिली है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसलिए ये हो गई 1320 सेंटीमीटर। तो लंबाई है 1872 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1320 सेंटीमीटर। अब हमें जो वर्गाकार टाइलें बनानी हैं उनकी हमें विमा को ज्ञात करना है। तो स्पष्ट है कि वर्गाकार टाइल की माप 1872 और 1320 का महत्तम समापवर्तक होगी। तो यहाँ स्पष्ट है, क्योंकि टाइल वर्गाकार है इसलिए ये माप, एक टाइल की माप 1872 और 1320 का HCF है। HCF ज्ञात करने के लिए हम 1872 और 1320 के गुणनखंड करते हैं। तो 1872 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये एक सम संख्या है, 2 का इसमें भाग जाएगा, 2 का भाग लगाया, भागफल आया 936। पुनः सम संख्या है, 2 का भाग लगाया, भाग आया 468। पुनः एक सम संख्या है, 2 का भाग लगाया, मान आया 234। पुनः एक सम संख्या है, 2 का भाग लगाया, मान आया 117। अब 117 एक विषम संख्या है, इसमें अंकों का योग कितना हो गया, 7 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात 9, जिसमें 3 का भाग लगता है, इसलिए 117 में 3 का भाग जाएगा। हमने 3 का भाग लगाया, भागफल आएगा 39, 39 में पुनः 3 का भाग लगाया, भागफल आया 13, 13 में 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 का भाग लगाया, भागफल आया 1। तो हमने जो स्तंभ में नंबर्स प्राप्त किए हैं वो हमारे 1872 के गुणनखंड हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये 1872 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरा पूर्णांक है 1320। 1320 एक सम संख्या है, 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाने से हमको मिलता है 660, भागफल जो आता है वो है 660। 660 में पुनः सम संख्या है, 2 का भाग लगाया, भागफल आया 330, 2 का पुनः भाग लगाया, भागफल आया 165। 165 में अंकों का योग कितना हो गया, अंकों का योग हो गया, इकाई पर है 5, 6, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 3 से विभाज्य है, इसलिए इसमें 165 3 से विभाज्य होगा। हमने 3 का भाग लगाया, 3 का भाग लगाने से क्या आया, 55, 55 में हमने 5 का भाग लगाया तो भागफल आया 11, 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में 11 का भाग लगाने से भागफल 1 मिलता है। तो हमें
जो 1320 के अभाज्य गुणनखंड मिले वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 11। तो इस प्रकार हमने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। 1872 तो हो गया 2 × 4 × 3 × 2 × 13, और 1320 के गुणनखंड हमारे हो गए 2 × 3 × 3 × 5 × 11। अब हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, क्योंकि जो वर्गाकार टाइल की माप है वो HCF है। तो HCF हम देखते हैं कि यहाँ दोनों संख्याओं में जो 2³ है वो कॉमन है। 2³ 1320 का एक गुणनखंड है, 1872 में 2⁴ है, अर्थात जो उभयनिष्ठ अवयव हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, वो हो गया 2³। इसी प्रकार 3 जो है वो 1320 का एक गुणनखंड है। 1872 में 3² है, इसलिए 3 जो है वो हमारा एक उभयनिष्ठ, ये 3 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो इसलिए HCF, जो कि हम जानते हैं HCF अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल HCF कहलाता है। इसलिए HCF का मान, अर्थात वर्गाकार टाइल की माप, हमने प्राप्त कर ली 2³ × 3। मान कितना हो गया? 8 × 3, अर्थात 24। वर्गाकार जो टाइल है उसकी लंबाई है 24, चौड़ाई है 24। 24 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक होगी। अब हमें यहाँ प्रश्नानुसार देखते हैं कि हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है टाइलों की। तो क्षेत्रफल में यदि हम एक टाइल की माप का भाग लगा दें तो हम न्यूनतम टाइलों की संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए टाइलों की संख्या हो गई 1872 × 1320 / 24, और मान कितना आता है? ये मान आ गया 4290। तो इसलिए इस प्रकार की टाइलों की संख्या होगी 4290।